व्हाट्स अप गाइस, और इसे ग्रोबी फिटनेस आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वर्कआउट वीडियो। जो फर्स्ट है और जो वर्कआउट करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, मैंने इस वीडियो में कवर की है। कुछ 6-7 एक्सरसाइज है जो आप फर्स्ट आएंगे तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। ज्यादा एडवांस एक्सरसाइज ना करें, जो भी बिगनर्स हैं, जो प्रेशर हैं, ये उनके लिए मैंने डिजाइन किए एक्सरसाइज, आराम से करें, कंट्रोल में करें। और हर एक्सरसाइज का आपसे 3-4 सेट करने हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये एक्सरसाइज करने में, और आप इजीली कर सकते हो आप जो मैंने एक्सरसाइज आपके लिए डिजाइन की है। तो प्लीज जाइए, पहले ध्यान रखें, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप आएंगे जिम के अंदर तो आप सबसे पहले वार्म अप करेंगे 10-15 मिनट, उसके दैन आफ्टर बाद आपको कौन कौन सा वर्कआउट करना है मैंने इस वीडियो में आपको डिजाइन किया है, जाके देखें और फॉलो करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो में आप इस यूट्यूब पर अपलोड करता रहूंगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, आप अच्छे से अपना वर्कआउट करें, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, ताकि ये फिटनेस बहुत बड़ी चीज है और आपको करनी चाहिए हर एवरीडे, आपको 1 आवर्स ये वर्कआउट करना है, और ऐसे ही कंटिन्यू अपनी बॉडी को उस ढाल पे लेके चाहिए जो आप करना चाहते हैं। चलिए बाबा, टेक केयर, लव यू। यस, फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज जो है ये नी बैंड पुशअप्स हैं, और इन्हें आराम से करना है, हिप को ऊपर रखना है और चेस्ट को आगे जाके पुश करना है, आराम से करें, कंट्रोल में करें जैसे मैं कर रहा हूँ। ध्यान से रखें, चेस्ट जितना ज़्यादा नीचे पुश करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आप पुशअप लगानी है, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको एडवांस पुशअप लगानी है। आराम से करें, नी को स्ट्रेट रखें या स्टेज, और चेस्ट के पास आपको हाथों को रखना है, ये देखिए कंट्रोल में, ध्यान से रखें, टो से उठना है, आराम से 1-1 आराम से करें, कंट्रोल में करें, और आप ब्रीथ करते रहें। बिना ब्रीथ के आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत हार्ड हो सकती है, तो प्लीज़ ब्रीथ जरूर करें। ब्रीथिंग करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी कैलरीज ज़्यादा बर्न होंगी। फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज। सेकेंड नंबर जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स, और स्क्वाट आराम से करेंगे, कंट्रोल में करेंगे, ये ध्यान रखें। देखें मैंने हाथ कहाँ रखे हैं, आप इस तरह हाथ रख सकते हैं, और हिप को आराम से पीछे पुश करें या देखें कंट्रोल में करें। मैं साइड चेंज की है, आराम से करें, नी को आगे नहीं लेके जाना है, हिप को पीछे लेके जाना है, और हाथ पीछे रख सकते हैं, या आप आराम से करें, कंट्रोल में करें, बिल्कुल भी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है आपको। यस, आराम से देखें, जैसे चेयर पे बैठते हैं इस तरह से आपको ये पोजीशन लेनी है, आगे रख के देखें हाथ, आगे भी रख सकते हो हाथ, आप कंट्रोल में करेंगे एक्सरसाइज। जो फर्स्ट डे हैं वो एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है लैट पुल डाउन। आराम से देखें, पहले इस मशीन को सेट करना है, जो आपके जो लॉक हैं, जो पैर हैं वो लॉक होने चाहिए, आपके जो ऊपर देखिए लैट पुल डाउन, जो आपने ग्रिप पकड़ रखी है वो वाइड ग्रिप पे करेंगे, और चेस्ट को अप रखेंगे, यस कंट्रोल में करेंगे, आप ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। इसके 3-3 सेट मारेंगे आप, 12, 8 और 16, यस कंट्रोल में ब्रीथ करते रहेंगे और ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। आप बिगनर्स हो या इंटरमीडिएट हो, ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, यस कंट्रोल में। और जो चौथी एक्सरसाइज जो करेंगे हम, वो हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस, आराम से करें, कंट्रोल में करेंगे, ध्यान रखें। जो बेंच प्रेस, यस ध्यान से देखें, सेट रखें आराम से, और यस पैरों की पोजीशन नीचे रखनी है, अपनी चेस्ट को अप रखना है, और ग्रिप पे ध्यान रख रहे हैं, मिड ग्रिप पे ध्यान रख रहे हैं, ये ग्रिप देख रहे हैं आप, यस आराम से लेके जाएंगे नीचे, कंट्रोल में करेंगे, यस ऊपर। इसके भी आप 10, 12 और 16 रैप मारेंगे, 3 सेट में कंप्लीट करेंगे। आप बिगनर्स हो या इंटरमीडिएट हो, आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। जो फर्स्ट डे एक्सरसाइज कर रहे हैं ये उनके लिए है, और आराम से करें, कंट्रोल में करें, देखें मेरे हाथ कैसे जा रहे हैं ऊपर, और बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे हैं, हिल नहीं रही मेरी बॉडी, बिल्कुल स्टिक रख रही है, और ब्रीथ कर रहा हूँ मैं, आराम से करेंगे, आराम से रखेंगे। अपना वेट अपने लिफ्टिंग द्वारा उठाएं, जितना आप वेट लिफ्ट कर सकते हैं, यस। पांचवी एक्सरसाइज जो करेंगे हम, पुल्ली पुशडाउन करेंगे, ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखें, और ये कंट्रोल में करनी है, देखिए ये जैसे मैं ट्राइसेप दिखा रहा हूँ आपको, यस आगे जाएंगे थोड़ा सा पुश, और एल्बो को लॉक रखेंगे, यस पुश करेंगे आराम से,
इसके भी आप 16, 20 और 24 ये तीन सेट में से कंप्लीट करें और आराम से करना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है, बॉडी को लॉक रखना है जिससे मैंने लॉक रखी है। यस, और ये टाइसअप की बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर जो फर्स्ट डे हैं और जो बिगनर्स हैं ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको हिलना झुलना नहीं है, बॉडी को लॉक रखना है, सिर्फ अपने ट्राइसेप एल्बो को नीचे पुश करके रखना है। यस, और जो पांचवी छठी एक्सरसाइज जो करेंगे हम वो करेंगे हम, यस, ये एक्सरसाइज जो बाइसेप्स की है अल्टरनेट डंबल, इसके आराम से करें, कंट्रोल में करें, ये एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है बाइसेप की। यस, और देखें मैंने फेस को टर्न टू टर्न कर रहा हूँ जिस तरह हम बाइसेप को लेके जा रहा हूँ, आराम से एल्बो को ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, एल्बो को नीचे रखना है और आपका जो रिक्स है वो ऊपर लेके जाएंगे। यस, इसके तीन सेट में कंप्लीट करेंगे, मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ कैसे कंट्रोल करना। यस, आगे नी को आइए, एल्बो को आगे लेके नहीं जाना है, जो आपके चेस्ट के पास रहनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं, और इसके तीन सेट में कंप्लीट करेंगे। यस, 12 और 16 और 20 तीन सेट में कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। यस, सातवीं एक्सरसाइज जो है हमारी, 7 एक्सरसाइज जो है वो हमारी डंबल साइड रेस। यस, ये शोल्डर की एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, ध्यान रखें अपना जो शोल्डर का जो एक्सरसाइज है वो अपने डंबल जो है वो कान से ऊपर ना हो। यस, और जो फ्रंट के सामने ध्यान रखें। यस, और जो एल्बो है वो ट्रिक ट्रेंगल एंगल में रखनी है और ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। यस, ये एक्सरसाइज आपको